हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं। आज 30 अगस्त है, तो आज हम देखेंगे कि 30 अगस्त में कौन कौन से करंट अफेयर्स छाए रहे, चाहे वो राष्ट्र जगत के हों, चाहे खेल जगत के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत के। तो ये जो आने वाले करंट अफेयर्स जो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स जो कि रेलवे RRB ग्रुप डी हो गया है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और इस करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो है कल से सीरीज चालू करेंगे। तो कल हम जो है जुलाई महीने की स्पेशल 30 करंट अफेयर क्वेश्चन देंगे, जो RRB ग्रुप डी के लिए फोकस होगा। उसके बाद हम अगस्त का देंगे, फिर उसके बाद हम जून का देंगे और ऐसे ही मई का देंगे। तो लगातार हर एक दो दिन के गैप पे हम आपको 30 क्वेश्चन का एक वीडियो देंगे, जो कि किसी एक महीने से स्पेसिफिक होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम यानी कि RRB ग्रुप डी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे कल वीडियो में आदित्य सर ने बताया था कि RRB ग्रुप डी का जो नया ऑफिशियल पैटर्न है, उसमें 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रहेंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो इस तरीके से रहेगा। कल यानी कि आपका कल फ्राइडे है, तो कल जो है हम आपको जुलाई 2018 के जो है 30 करंट अफेयर क्वेश्चन देंगे, जो कि RRB पे फोकस रहेंगे। और वैसे ही फिर आपको हम अगस्त का देंगे, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद हम आपको जून का देंगे, और फिर हम आपको जो है मई का देंगे। तो लगभग हम आपको 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे कराएंगे, और ये एक हफ्ते के अंदर हम आपको अगले हफ्ते में कराएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि इतना आपको मदद हम करेंगे तो आप जो है हमारे लिए भी मदद करेंगे। हमें जो है लगभग जो है 1000 लाइक का हमारा टारगेट है। आपसे हमारी अनुग्रह है कि आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें, और हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स देंगे। और ये जो आज का सेशन रहेगा, ये लगभग आधे घंटे का सेशन रहेगा। तो यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो है चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन से। तो जैसा कि हम हर दिन करते हैं, तो आज का जो हमारा वो रहेगा पहला, कि एशियन गेम्स जो 11वां दिन था उसमें भारत ने क्या कारनामा कर दिखाया, यानी कि कल 11वां दिन था और आज 12वें दिन की शुरुआत है। तो कल 11वें दिन के अंत में जो है भारत ने कुल मिला के जो है 54 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण है, 20 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। और इसके साथ ही भारत जो है अभी पदक तालिका में 9वें स्थान पर बना हुआ है। और अगर कल की हम बात करें डे 11 की, तो भारत ने कल जो है दिन अच्छा रहा, भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं कल, ठीक है। किसमें एक तो आपका हेप्टेथलॉन में, ठीक है, एक हेप्टोथलॉन में गोल्ड जीता है, और दूसरा है जो है ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता है भारत ने, ठीक है। इसके अलावा जो है भारत ने 1 सिल्वर जीता और जो है 1 ब्रॉन्ज जीता। सो कुल मिला के कल भारत ने 4 मेडल जीते हैं, ठीक है। सो ये था दिन 11 का लेखा जोखा। तो चलिए अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का, जो हमने आप लोगों से पूछा था। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन रैमन मैगसेसे अवार्ड। तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो काफी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, जिसका सही उत्तर है सी आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को जो है सबसे पहली बार जो है 1950 के दशक में, यानी कि मेरे ख्याल से 1958 में जो है इनको जो है रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर जो है किरण बेदी हो गई और सीडी देशमुख, ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनको कि सम्मानित किया गया। और अरुण शौरी को जो है जर्नलिज्म के लिए सम्मानित किया गया था, किसके लिए, जर्नलिज्म के लिए। और किरण बेदी, जैसा कि आप सबको पता है, ये जो है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर थी। कौन थी ये फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर थी, किरण बेदी, अभी जो केरला की गवर्नर हैं। और सीडी देशमुख जो है ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। सो पहले भारतीय थे जो RBI के गवर्नर बने थे, कौन, सीडी देशमुख, चिंतामणि देशमुख, ठीक है। तो रैमन मैगसेसे की अगर बात करें तो रैमन मैगसेसे जो है इसे हम एशिया का नोबल प्राइज भी बोलते हैं, किसे, रैमन मैगसेसे को। और इस साल जो है 2018 में 2 भारतीयों को अवार्ड मिला है, हालांकि ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो पहले जो है ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो 5 में से जो है 2 जो है भारतीय लोगों को मिला है। एक तो है भारत वतानी, कौन है, भारत वातवानी, और दूसरे हैं सोनम वांगचुक, कौन है, सोनम वांगचुक,
ठीक है। तो सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी इन दोनों को 2018 में जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। सोनम वांगचुक आपको फेम आपको पता होगा, ये काफी फेमस मूवी है थ्री इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने जो है इनकी भूमिका निभाई है थ्री इडियट्स में सोनम वांगचुक की। तो वहाँ उसमें वो क्या बने हैं, वे वांगचुक फुंगड़ू बने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर सेशन से, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हु वन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड इन हेप्टाथलॉन इन एशियन गेम्स हिस्ट्री। तो एशियाई खेलों के इतिहास में हेप्टाथलॉन में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता है। आपके ऑप्शन है ए सोमा विश्वास, बी प्रमिला अयप्पा, सी स्वप्ना बर्मन या डी जे जे शोभा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी स्वप्ना बर्मन। तो स्वप्ना बर्मन ने कल ये कारनामा कर दिखाया 18वें एशियन गेम्स में। तो इन्होंने जो है हेप्टाथलॉन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो हमने तीन नाम जीते हैं, तो ये सबसे पहले अगर हेप्टाथलॉन में किसी ने जीता था तो ये बंगाल की सोमा विश्वास है। इन्होंने जो है आपका मतलब कि ये बुसान एशियन गेम्स में जीता था। कब जीता था, बुसान एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था। और ये जो हुआ था 2002 में हुआ था, और उसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। फिर प्रमिला अयप्पा की बात करें तो ये कर्नाटका की थी, और इन्होंने जो है गुआंगजाऊ गेम्स में जो है 2010 में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इससे पहले जो है जे जे शोभा, ये भी कर्नाटका की हैं, और इन्होंने भी जो है दोहा एशियन गेम्स में, दोहा गेम्स जो कि 2006 में हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। सो इससे पहले अब तक भारत ने कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो ऐसा स्वप्ना बर्मन ने कर दिखाया 18वें एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हो रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि हेप्टाथलॉन है क्या। सो ये देखिए, ये रही स्वप्ना बर्मन, ये काफ़ी मतलब कि बहुत ही काबिले तारीफ पिक्चर है ये। और बर्मन ने जो है 6026 पॉइंट के साथ जो है मतलब कि इस गोल्ड को अर्जित किया है। अब हेप्टाथलॉन है क्या, तो हेप्टाथलॉन में क्या होता है कि 7 इवेंट होते हैं। कितने होते हैं, 7 इवेंट्स होते हैं। तो आपको ये नेम याद रखने हैं 7 इवेंट के। तो 100 मीटर रेस है, हाई जंप है, शॉर्ट पट है, 200 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, जैवलिन थ्रो है, और 800 मीटर रेस है। तो आपको कैसे याद कर सकते हैं आप, 100 मीटर, 200 और लॉन्ग जंप, ये एक हो गया, फिर 800 मीटर ये चौथा हो गया, फिर हाई जंप पांचवा हो गया, शॉर्ट पट और जैवलिन थ्रो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड इन ट्रिपल जंप एट 18th एशियन गेम। तो 18वें एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक किसने जीता। आपके ऑप्शन है ए मंजीत सिंह, बी अरपिंदर सिंह, सी मोहिंदर सिंह गिल या डी जिनसन जॉनसन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि अरपिंदर सिंह। तो अरपिंदर सिंह ने जो है ट्रिपल जंप में जो है 48 साल के बाद, कितने साल, 48 साल के बाद जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, आपका ट्रिपल जंप में, ठीक है, 48 साल बाद। और ऐसा पहले कारनामा किसने कर दिखाया था, तो मोहिंदर सिंह गिल ने किया था। इन्होंने 1970 के एशियन गेम्स में ऐसा कारनामा किया था। और तब ये कहाँ हुए थे, ये बैंकॉक में ये गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे, बैंकॉक में ये गेम्स हुए थे, मोहिंदर सिंह गिल। तो दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके भी बता रहा हूँ। तो ये जो है आपके आरबी ग्रुप के डी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से इनको सुनिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो ये देखिए, ये हमने फोटो दिया है, यहाँ पे ये रहे अरपिंदर सिंह जी हैं, ये अरपिंदर सिंह जी हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सर्ज, ध्यान से सुनिएगा, द सर्ज इन वाटर लेवल ऑफ विच रिवर ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम चाइना हैज थ्रेटेंड 12 विलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो हियर थ्री थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू टेल द नेम ऑफ विच रिवर एंड देन दिस रिवर इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो चीन से पानी निर्वहन के कारण किस नदी के पानी में के स्तर में बढ़ोतरी ने अरुणाचल प्रदेश के 12 गांवों को खतरे में डाल दिया है। सो आपके जो ऑप्शन है ए सियांग रिवर,
बी लोहित रिवर, सी दिबांग रिवर या डी सुबनसिरी रिवर। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए सियांग रिवर। सो सियांग रिवर जो है ये हालांकि ये ब्रह्मपुत्र ही है। सो ब्रह्मपुत्र जो है चाइना से होके, जैसे अगर अगर हम यहाँ पे मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए अगर हम मैप देखते हैं, ये पूरा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा आता है, और यहाँ पे जो है बीच में असम आता है, ये आपका असम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है यहाँ पे इसको सैंगपो रिवर बोलते हैं। चाइना लोग कौन सी सैंगपो बोलते हैं? यारलुंग जैंगपो, यारलुंग जैंगपो या सैंगपो। ये ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है तिब्बत और चाइना में नाम है, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और चाइना में किस नाम से बोलते हैं? चाइना में यारलुंग जैंगपो के नाम से, और तिब्बत में सैंगपो के नाम से बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। सो यही ब्रह्मपुत्र जो है जब यहाँ से टर्न लेके, ठीक है, सो यहाँ पे जो है काफ़ी स्टीप टर्न लेती है, तो यहाँ जब बनती है तो ये सियांग रिवर है। सो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो उसको हम लोग सियांग बोलते हैं। सो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो क्या बोलते हैं उसको? सियांग नदी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सो ब्रह्मपुत्र आके यहाँ पे सियांग नदी बन जाती है, ठीक है, सियांग नदी। और फिर जो है यहाँ पे जो है आपका पासीघाट है, ये जो है यहाँ पे ये पासीघाट है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, सो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासीघाट, ठीक है। सो पासीघाट है, ये जो है अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे है, और यहीं से जो है जो सैंगपो रिवर जो आके सियांग नदी बनती है, यहीं से आके जो नाम अर्जित होता है क्या होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। सो यहीं से ये जो है असम में आके ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ले लेती है, और बांग्लादेश में जब जाती है तो ये जमुना बन जाती है। क्या बनती है बांग्लादेश में? सो असम में हो जाती है क्या? मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और फिर जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आके ये हो जाती है क्या? तो ये जमुना कहलाती है, जो गंगा उसके बाद, ठीक है, जमुना। तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी का लेखा जोखा है। अब जो है सियांग नदी को हम लोग जो है दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं सियांग को? हम लोग जो है सियांग को दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर सियांग। सो रिवर सियांग जो है इसको दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। सो ये दिहांग नदी भी कहलाती है, ठीक है। सो अब जरा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिवर बताना चाहता हूँ कि ये जो लोहित रिवर है, आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो लोहित रिवर है ये जो है मिशमी हिल्स से निकलती है, ठीक है, कहाँ से? ये मिशमी हिल्स से निकलती है लोहित रिवर, और ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये जो नदी है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मई 2017 में, क्योंकि एक साल पुराना भी न्यूज़ होता है, तो मई 22, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज खोला था, का इनॉग्रेशन किया था, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज यहाँ मतलब कि इनॉग्रेट हुआ था मई 22, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है इसकी कुल लेंथ जो है 9153 मीटर है, और ये जो है जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है, बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है, वर्ली सी लिंक, सो उससे ये लगभग 30% ज़्यादा लंबा है, 30% ज़्यादा लंबा है। और इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है डोल सादिया, ऐसी नाम है सादिया, ठीक है। सो ये जो है डोल सादिया ब्रिज का नाम है, और सादिया मतलब कि यहाँ पे जो है भूपेन हजारिका जो है, आपको पता होगा दिल हुम हुम करे जिन्होंने गाना गाया था, सो भूपेन हजारिका का यहाँ जन्म हुआ था, कहाँ पे? सादिया, जो कि आसान में टाउन है, ठीक है। तो डोल सादिया जो है ये ब्रिज का नाम है, और ये 9153 मीटर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट परसेंट, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाइक्ड
द डियरनेस अलाउंस रिसेंटली, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आपके ऑप्शन है 7%, 5%, सी 2% या डी 1%। तो एडिशनल जो बढ़ाया है वो 2% की बढ़ोतरी की है। तो पहले से जो है 7% मिल रहा था बेसिक पे पे, ठीक है, और ये जो है अब इसके ऊपर जो है प्लस 2% जो है डियरनेस अलाउंस मिलेगा। अब ये महंगाई भत्ता है, तो महंगाई भत्ता से आपको जाहिर है कि इसका मतलब है कि जैसी महंगाई बढ़ता है तो सरकार जो है, केंद्र सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डीए देती है, और पेंशनर्स को क्या नाम से जानते हैं, डियरनेस रिलीफ देते हैं, डियरनेस रिलीफ, ठीक है, ये पेंशनर्स को मिलता है और ये 1 जुलाई 2018 से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री पायलटेड द अम्ब्रेला स्कीम ओ स्मार्ट रिसेंटली। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना प्रस्तावित किया है। तो आपके ऑप्शन है ए फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, बी ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन, सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स, और ये जो है यहाँ पे ए बी सी डी लिखना भूल गए हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। सो सी है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और डी अर्थ साइंस है यानी कि पृथ्वी विज्ञान। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री ने जो है ओ स्मार्ट जो स्कीम है जो कि ओशन के लिए है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ओशन ओशन से संबंधित है, ओशन डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है, ये स्कीम। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने जो है ये इस स्कीम के तहत क्या करेगी, इस स्कीम के तहत वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करेगी, ठीक है, इसमें फिर जो है आपका डीसैलिनेशन प्लांट भी इंस्टॉल करेगी। सो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल ओशन डेवलपमेंट के लिए ये ओ स्मार्ट स्कीम जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसने प्रपोज किया, और इसको जो है कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसको अप्रूव किया, और ये जो कुल मिला के जो प्रोजेक्ट है कितना है, 1623 करोड़ रुपए का है, कितना है, 1623 करोड़ रुपए का। अब आइए समझते हैं कि ओ स्मार्ट है क्या। सो देखेंगे कि कल जो है यूनियन कैबिनेट ने अपने बैठक में अगस्त 29, 2018 के बैठक में इसको अप्रूवल दे दिया है, और ये जो है ओ स्मार्ट मिशन ये क्या करेगा, कोस्ट को मैप करेगा, ठीक है, जो भी समुद्री किनारा है उनको मैप करेगा, और ये जैसा हमने देखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको पायलट किया है, और ओ स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस, यानी कि इसके अंदर जो है अम्ब्रेला स्कीम इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर सर्विसेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ऑब्जर्वेशंस भी है, रिसोर्स मॉडलिंग भी है और साइंस भी है। सो दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। अब इसमें होगा क्या क्या, कुछ कुछ हमने हाईलाइट दिए हैं। पहला है कि सेटिंग अप ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, वो कहाँ पे करेंगे, कावर्ती में, आपको ये याद रखना है। फिर है सेटिंग अप 6 डीसैलिनेशन प्लांट्स, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ठीक है। फिर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओशन ऑब्जर्वेटरीज एंड मॉडलिंग, और फिर है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ डीप ओशन माइनिंग एंड मैंड सबमर्सिबल्स, और ये जो डीप ओशन माइनिंग है और मैंड सबमर्सिबल्स है ये अभी जो है कुछ दिन पहले जो है इंडिया ने डीप ओशन मिशन जो करके चालू किया था उसको वो दी थी ओशन मिशन, ठीक है। तो डीप ओशन मिशन जो है इसको इंडिया ने मतलब कि चालू किया था कुछ दिन पहले, ये न्यूज में था, तो ये ओ स्मार्ट तहत ही इसको डेवलप किया जाएगा, और ओ स्मार्ट के डेवलप होने से क्या होगा कि जितने भी ओशन में सेक्टर्स हैं, जो भी ओशन में क्षेत्र हैं या कोस्टल एरियाज हैं, उसको जो है वहाँ के यूजर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, चाहे वो फिशरीज सेक्टर हो, ऑफशोर इंडस्ट्री हो, कोस्टल स्टेट्स हो, डिफेंस हो, शिपिंग हो या पोर्ट्स हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बार्क इंडिया, सो बार्क इंडिया जो है ये ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है, द पीपल ऑफ विच रीजन वॉच मोर टीवी, ठीक है, आपको बताना है कि बीआरसी इंडिया के अनुसार किस क्षेत्र के लोग अधिक टीवी देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्थ इंडिया, बी वेस्ट इंडिया, सी ईस्ट इंडिया या डी साउथ इंडिया, यानी उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत या दक्षिण भारत।
सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि साउथ इंडिया। सो ऐसा जो है बार्क इंडिया का सर्वे बताता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो बार्क का मतलब है, ये मत समझिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नहीं बिल्कुल मत समझिएगा, ठीक है। तो बार्क से दो मतलब हो जाएगा, बार्क एक ये है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रिसर्च सेंटर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये जो है नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है, और ये जो है वीकली टीवी व्यूअरशिप जो है इंडिया में जो है रिलीज करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फॉर्म हुआ था 2010 में, इसके चेयरमैन है नकुल चोपड़ा और सीईओ है पार्थो दास गुप्ता। ये देखिए जो है हमने यहाँ पे मैप दिया है, जो सर्वे आया है, तो जो ग्रीन लाइट है ये जो एरिया है ये पूरा, यानी कि पांचों स्टेट, ये कर्नाटका हो गया आपका, ये आपका आपका ये हो गया क्या बोलते हैं तेलंगाना, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु, और ये आपका केरला, यानी कि ये पांचों स्टेट जो है आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा जो है यहाँ पे टीवी वॉच होता है। तो लगभग 295 मिलियन यहाँ पे टीवी वॉचर्स थे इन एरियाज में जो डार्क ग्रीन है। फिर उसके बाद 80-90% में आप देखेंगे कौन है, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, और जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो उसके बाद 45-59 में जो ये येलो दिखा रहा है ये 45-59 में है, राजस्थान आपका, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ये भी पूरा आपका 45-59% में। 30-45 में आपका उत्तराखंड और यूपी है, और 30% से कम में आपका कौन है, आपका है 30% से कम में बिहार और झारखंड जो है 30% से कम में है, ये आपको याद रखना है, बिहार और झारखंड, ठीक है। यहाँ पे टीवी जो व्यू होता है ये 30% से कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर बात करें तो नॉर्थ में जो है अगर क्रम लगाएं तो सबसे ज़्यादा साउथ में टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वेस्ट में देखते हैं, फिर नॉर्थ में, और फिर ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम है। तो यहाँ पे लगभग 295 मिलियन है, यहाँ पे 221, और यहाँ पे 209 नॉर्थ रीजन में, और ईस्ट रीजन में लगभग 185 मिलियन है, ठीक है। तो ये टीवी वॉचर्स का आपका आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हेडेड द कमिटी डेलिबरेटिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इनैक्टिंग अ न्यू लॉ टू चेक इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग, यानी कि लिंचिंग की घटनाओं से निपटने हेतु एक नया कानून बनाने की संभावना पर विचार विमर्श करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हमने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि इस कमिटी ने जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसको जो है, यानी कि हम GOM बोलते हैं, सो GOM जो कि हेड कर रहे हैं कौन, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह इसको हेड कर रहे हैं। तो उनको जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। सो आपका ऑप्शन है ए राजीव गौबा, जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, एन श्रीनिवास राव, ये कि ये इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इंजेती श्रीनिवास ये कंपनी ये कॉरपोरेट सेक्रेटरी हैं, और हाल ही में जो कंपनीज एक्ट 2018 में पेनल्टी के प्रोविजंस को लेकर जो कमेटी बैठी थी उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, और हाल ही में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, किन्होंने, इंजेती श्रीनिवास ने, ठीक है। सो और लास्ट है डी मनोहर सिंह। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए राजीव गौबा, जो कि हैं केंद्रीय गृह सचिवालय, सो केंद्रीय गृह सचिवालय सचिव हैं ये, ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना रशिया जॉइंट एक्सरसाइज टू काउंटर हेगेमोनिक इंपल्स ऑफ द US, तो अमेरिका के हेगेमोनिक आवर्ग का मुकाबला करने के लिए चीन रूस संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए जापाड 81, बी वोस्टक 2018, सी एंड हेगेमन, या डी मिशन पीस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि वोस्टक 18, और ये कहीं पे ईस्टर्न यूरोप में कहीं पे कंडक्ट हो रहा है, और ये अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम है जो कि रशिया चाइना कंडक्ट कर रहे हैं, और प्लस जो है इसमें एक और कंट्री शामिल है और वो है मंगोलिया, ये थर्ड कंट्री है, ठीक है, मंगोलिया जो है ये थर्ड कंट्री है, तो आपको मंगोलिया भी याद रखना है।
और ये जो वोस्टोक 18 है ये है जापान 81 से भी बड़ा है। तो जापान 81 जो है 1981 में जो है यूएसएसआर ने कंडक्ट किया था। और मिशन पीस जो है अभी पता है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है कल ही इसका कंक्लूजन हुआ है। और ये जो मिशन पीस था इसमें पहली बार भारत और पाकिस्तान की आर्मी ने साथ में जो है युद्धाभ्यास किया। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। और ये किसके तहत हुआ था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिशन पीस हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज एक्सटेंडेड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फॉर अनदर 6 months इन द स्टेट। तो किस पूर्वोत्तर राज्य ने सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को राज्य में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिसे हम आफ्सपा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये 1958 में एक्ट आया था। तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए असम। ठीक है, असम ने जो है 6 महीने के लिए आफ्सपा को पूरे राज्य में एक्सटेंड कर दिया है। और ये आफ्सपा से संबंधित कुछ जानकारी देख लीजिए। तो आफ्सपा जो है आपका कब आया था? ये आया था 1958 में, जब नॉर्थ ईस्ट में जो है दंगे हुए थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे तब ये आफ्सपा लाया गया था। आज के डेट में ये कहाँ कहाँ लागू है? केवल 2 states को छोड़ दो, मेघालय। ठीक है, मेघालय से अभी हाल में ही मतलब 2018 में ही यहाँ से मतलब कि आफ्सपा हटा लिया गया था। और त्रिपुरा ने जो है आफ्सपा से अपने आप को लगभग 2015 में विड्रॉ कर लिया था। तो त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे लागू है। तो यहाँ पे आपका है कौन कौन सा, मैं कह दूँ कहाँ कहाँ लागू है? यहाँ पे लागू नहीं है। ठीक है, ये मेघालय और त्रिपुरा में लागू नहीं है। अब कौन कौन से है? सो रिमेनिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, रिमेनिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इनको हटा के और प्लस J&K। सो यहाँ पे अब जो है आफ्सपा लागू है। ठीक है, यहाँ पे आफ्सपा जो है क्या है? आफ्सपा लागू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर 29th एडिशन ऑफ आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। तो आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर के 29वें संस्करण के लिए किस देश को अतिथि सम्मान के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी इंडिया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी इंडिया। सो इंडिया को जो है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया है 29th आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में, जो कि 2019 में होगा। और आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर किस लिए है? ये यूएई की राजधानी है। ठीक है, और यूएई आपको पता है अभी हाल में ही काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इन्हें ₹700 करोड़ देने की बात कही थी। किसके लिए? केरला फ्लड के लिए, जो कि भारत सरकार ने मना कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना जो है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो है साइंस से ही अब हम क्या करेंगे, डेली यानी कि डेली जो है 15 सितंबर तक हम आपको जो है क्वेश्चन ऑफ द डे साइंस से ही देते रहेंगे। और ये जो साइंस से क्वेश्चन ऑफ द डे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता लगा है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें साइंस से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से है, तीनों क्षेत्रों से लगभग 15 दिन तक आपको जो है सितंबर 15 तक क्वेश्चन देते रहेंगे। और आपको ये क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और इसके आंसर जो है हम आपको वीडियो जो कि हर दिन 6 बजे लाइव होता है उससे पहले बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डीएनए प्रोफाइलिंग। सो डीएनए प्रोफाइलिंग किसने खोज की? तो आपके ऑप्शन है ए जेम्स वॉटसन, बी फ्रांसिस क्रिक, सी सर एलेक जॉन जेफरी या डी हरगोविंद खुराना। सो आप जो है अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में हमारे दे सकते हैं और हम जो है इसका कल आंसर बताएंगे। प्लस जो है जिन्होंने वीडियो मिस किया है तो नीचे हमने जो है पीडीएफ की लिंक भी प्रोवाइड किए हैं, आप पीडीएफ का लिंक जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे शेयर करें एंड डोंट मिस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड वी अश्योर यू अ वेरी बिग सक्सेस इन योर प्रिपरेशन। सो डोंट मिस आवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, विल बी बैक अगेन टुमारो एट 6 PM। सब्सक्राइब नाउ ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।